भारत में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद देश में रिकवरी रेट आज भी ज्यादा है। कोविड-19 से ठीक हुए ज्यादातर लोग आगे एक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। हालांकि कई मामलों में ये भी देखा जा रहा है कि कोविड से ठीक होने के बाद लोगों को स्वास्थ्य से जुड़े कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं ऐसे ही संकेतों और लक्षणों पर जिनको आपको ठीक होने के बावजूद नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ नेशनल, आपके संग मैं रूपाली सिंह। कोविड-19 मरीजों को अगर पहले से डायबिटीज है तो इसे चिंता का विषय माना जाता है। हालांकि कई मामलों में मरीज कोविड होने के बाद भी डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। यह माना जाता है कि यह वायरस अग्नाशय यानी कि पैनक्रिया जैसे महत्वपूर्ण अंगों में घुसपैठ करता है और इंसुलिन के स्तर को भी खराब कर सकता है। जिनको पहले से डायबिटीज है वो भी ब्लड शुगर स्तर में उतार चढ़ाव देख सकते हैं। कोविड-19 की वजह से टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह की डायबिटीज हो सकती है, इसलिए मरीजों को इस तरह के लक्षणों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा प्यास लगना और भूख भी ज्यादा लगना, नजर धुंधली होना, त्वचा का नाजुक हो जाना या फिर चोट लगने पर धीरे धीरे सुधार आना, थकावट और कमजोरी, खाने की इच्छा का बढ़ जाना, हाथों और पैरों में सूनन और झुनझुनाहट महसूस होने पर इसे नजरअंदाज ना करें, समय समय पर ग्लूकोज और ब्लड शुगर स्तर को जांचें। दिल से जुड़ी बीमारियां, गंभीर कोविड-19 के कारण खून के थक्के और बीमारी के बाद दिल के दौरे के मामले लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। कोविड यहां तक कि सेहतमंद लोगों के दिल पर भी असर डाल सकता है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, थकावट और परेशानियां महसूस हो सकती हैं। दिल के डॉक्टर्स का दावा है कि कोविड की वजह से अनियमित दिल की धड़कन, मायोकार्डिटिस यानी सूजन और अन्य हृदय संबंधी जटिलताएं भी हो सकती हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि सूजन जैसे लक्षण आपके कोविड संक्रमण में 5वें दिन से महसूस होने शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा इन संकेतों पर भी ध्यान दें। सीने में तकलीफ होना, हाथ में दर्द या दबाव महसूस होना, पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ, अनियंत्रित या अस्थिर रक्तचाप, अनियमित दिल की धड़कन, तनाव महसूस होना। कई तरह के क्लिनिकल शोध में पाया गया है कि कोविड से ठीक हो रहे मरीजों को बीमारियों के बाद भी हेल्थ, न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक विकार के लिए चेकअप की जरूरत होगी। खासतौर पर महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य विकार होने का खतरा ज्यादा है, इसलिए कोविड से ठीक होने के बाद इस तरह के संकेतों को नजरअंदाज न करें। मनोवस्था संबंधी विकार, भ्रम, निर्णय न ले पाना, ध्यान लगने में दिक्कत होना, लंबे समय तक याद रखने में दिक्कत आना, तनाव और बेचैनी का बढ़ जाना, लंबे समय तक नींद न आना, बिना किसी के मदद के काम न कर पाना। कोविड से रिकवरी के 1 हफ्ते बाद भी इसी तरह के लक्षण महसूस होने पर आपको मेडिकल सपोर्ट जरूर लेना चाहिए। किडनी की बीमारियां, जिन लोगों को कोरोना वायरस का गंभीर संक्रमण हुआ उनमें रिकवरी के साथ किडनी में खराबी के भी संकेत दिखे गए हैं। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें इससे पहले किसी तरह की बीमारी नहीं थी। शरीर के उच्च स्तर के प्रोटीन और असामान्य खून की रिपोर्ट, कोविड से होने वाले साइकोटिन तूफान या ऑक्सीजन के स्तर में उतार चढ़ाव से भी नुकसान हो सकता है। इसका नतीजा उन लोगों के लिए और भी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है जिन्हें पहले से सूजन या डायबिटीज की समस्या हो। किडनी में खराबी आना गंभीर समस्या बन सकती है, लेकिन शुरुआती लक्षणों की मदद से इसे जोखिम होने से बचाया जा सकता है। अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो इसे नजरअंदाज ना करें। पैरों या टखने में सूजन आना, जरूरत से ज्यादा पेशाब आना, पेशाब के रंग में बदलाव होना, वजन काफी ज्यादा कम हो जाना, पाचन का खराब होना या भूख न लगना, ब्लड शुगर स्तर या बीपी का बढ़ जाना। नमस्कार, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारी ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।